नमस्कार दोस्तों, डिस्टेंस प्रोटेक्शन सीरीज के इस एक और सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम डिक्सी के थ्रू जो सीमेंस के 7SA522 मतलब सीमेंस डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले का कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में चल रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर पहले सेशन में हमने डिक्सी का बेसिक देखा था कि बेसिकली डिक्सी सॉफ्टवेयर कैसे, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके क्या क्या मतलब होता है। जो डिक्सी सॉफ्टवेयर है उसमें फर्मवेयर वर्जन, पीसेट वर्जन और डिवाइस ड्राइवर का क्या मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने बाइनरी इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन देखा था। हमने एलईडी की मास्किंग, इवेंट लॉग और ट्रिप लॉग की मास्किंग और डीआर कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था। इसके अलावा हमने सीएफसी लॉजिक को भी लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। और अब हम इस सेशन में डिस्टेंस रिले के डिफरेंट सेटिंग्स जो कि 7SA522 से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक जो भी हमने किया है, अगर आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आपने उसको खुद से अपने डिक्सी सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस किया होगा, तो अभी तक का जो भी कंसेप्ट है वो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो एक दो बार और प्रैक्टिस करने के बाद वो हो जाएगा। आज के सेशन में मेनली जो हम देखने वाले वो ये है कि जो 7SA522 के डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल है इस रिले के अंदर, और जो डिक्सी से हम सेट करते हैं उन डिफरेंट सेटिंग्स का क्या मतलब होता है। अगर कोई सेटिंग गलत है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर कोई सेटिंग हमने गलती से, कुछ हमारा सेटिंग मिस हो गया है या कोई छूट गया है, तो उससे रिले के परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक सेटिंग का मतलब पता हो। तो बेसिकली ये जितने भी सेटिंग्स हैं उनके बारे में तो जानकारी आपको रिले के मैनुअल से पढ़ करके भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ सेटिंग्स होते हैं और जिसको कि हम गलती कर देते हैं, जिस मतलब जो छूट जाता है कई बार अक्सर, तो उसके कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मैं एक बार फिर से डिक्सी वर्जन 4.85 यूज कर रहा हूँ और पहले से ही मैंने सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो लास्ट टाइम हमने जो फोल्डर अपना बनाया था डेमो सेशन हिंदी, उसके अंदर जो 7SA522F121.1 उसी के कॉन्फ़िगरेशन से, कॉन्फ़िगरेशन बाइनरी इनपुट आउटपुट के जहाँ तक हमने समाप्त किया था, उसके आगे अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसको भी ओपन करके रखा हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पर ऑफलाइन का मतलब क्या, ऑफलाइन का मतलब ये है कि मैंने इस रिले को अभी ऑफलाइन मोड में ओपन किया हुआ है, ये रिले कनेक्टेड नहीं है सिस्टम में। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो सेटिंग्स, एनुंसिएशन, मेजरमेंट और ऑसिलोग्राफिक रिकॉर्ड, चार चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अंदर हम सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेटिंग्स में भी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, लेकिन एक बार फिर से क्योंकि हम सेटिंग वाले उसमें आ रहे हैं तो इसीलिए हमें सेटिंग्स एक बार फिर से देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये सेटिंग्स है इसमें, तो ये सबसे पहले जो ये जब आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और जो विंडो ओपन होता है इसके अंदर रिले का जो MLFB है उस MLFB के हिसाब से आपके सारे फंक्शंस यहाँ पर मिलेंगे। और उस फंक्शन में से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे रिले सेटिंग्स के हिसाब से, हमारे जो सेटिंग्स अवेलेबल है हमारे पास उसके हिसाब से हमें कौन कौन से फंक्शन सेलेक्ट करने हैं वो हम इस डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब में सेलेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कुछ स्टार्टिंग के जैसे ऑप्शंस होते हैं, सेटिंग ग्रुप चेंज ऑप्शन, ये जनरली ये जितने भी सेटिंग्स हैं हालांकि आपको अवेलेबल होगा एक्सेल शीट में या PDF में, आपको सिर्फ एंटर करना है। लेकिन मतलब क्या है कि सेटिंग ग्रुप चेंज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि एक सीमेंस रिले के अंदर या कोई भी न्यूमेरिकल रिले के अंदर बहुत सारे सेटिंग ग्रुप्स आप इनेबल कर सकते हैं, ग्रुप 1 2 3 4, मल्टीपल ग्रुप्स इनेबल कर सकते हैं और अलग अलग ग्रुप को हम यूज भी कर सकते हैं। बट जनरली ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के अंदर ऐसा बहुत ही रेयर केस में किया जाता है कि जब हम दो सेटिंग ग्रुप इनेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा है कि किसी लाइन के अंदर आपका सीरीज रिएक्टर लगा हुआ है या सीरीज कैपेसिटर लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि जब सीरीज कैपेसिटर सर्विस में हो तो एक पर्टिकुलर सेटिंग ग्रुप इनेबल हो जिसके अंदर आपका जोन रीच और जोन टाइमिंग वगैरह जो भी है वो आपको सीरीज कैपेसिटर सर्विस के हिसाब से सिलेक्टेड हो, और जब सीरीज कैपेसिटर सर्विस में ना हो तब आप चाहते हैं कि हमें दूसरा सेटिंग ग्रुप कोई इनेबल हो जाए और वो हर बार मुझे मैनुअली ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं सेटिंग ग्रुप चेंज ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करूंगा, पर जनरली ये सेटिंग्स डिसेबल होता है। ट्रिप मोड, क्योंकि डिस्टेंस रिले है तो हमें जो है सिंगल पोल और थ्री पोल दोनों ट्रिप मोड चाहिए होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेटिंग होता है कि
डिस्टेंस के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करना है, क्वाड्रिलेटरल या मो कैरेक्टरिस्टिक, और इसके बारे में हमने डिटेल में अपने थियोरेटिकल सेशन में डिस्कस भी किया था कि हम क्वाड्रिलेटरल क्यों सेलेक्ट करते हैं, मो क्यों नहीं करते, या कौन से कंडीशन में मो कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किया जाता है, कौन से कंडीशन में क्वाड्रिलेटरल सेलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको एज पर रिक्वायरमेंट जो सेटिंग्स अवेलेबल है वही यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पावर स्विंग, अगर हमें अपने सेटिंग्स में पावर स्विंग चाहिए, और जनरली जो भी ट्रांसमिशन यूटिलिटीज होते हैं उसमें पावर स्विंग डिटेक्शन आप इनेबल रखते हैं, और पावर स्विंग की कंप्लीट थ्योरी की पावर स्विंग कैसे वर्क करता है, पावर स्विंग डिटेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम क्या होते हैं, ये हम अभी तक हमने थ्योरेटिकल सेशन में नहीं किया है, तो इसीलिए इसको हम अलग से बाद में कवर करेंगे। फिर टेली प्रोटेक्शन फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये आपको एज पर रिक्वायरमेंट जो भी मतलब हमारे सेटिंग्स है कि PUTT है या POTT है या वीकेंड इनफिट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें ट्रिप करना है या इको करना है, तो ये सभी यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, और इसकी डिटेल भी थ्योरी हमने पहले किया हुआ है थ्योरेटिकल सेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं कि POTT क्या होता है, POTT क्या होता है, और कैसे कैसे स्कीम काम करते हैं। DTT मतलब अगर DT आपको रिमोट एंड से रिसीव हो रहा है तो उसको क्या हमें रिले के थ्रू ट्रिप करवाना है, या फिर डायरेक्टली 86.12 पे वायर्ड है और ट्रिप हो रहा है, तो ये भी एज पर स्कीम होता है, स्कीम टू स्कीम वेरी होता है। कुछ स्कीम में डायरेक्टली 86 को ट्रिप किया जाता है, कुछ स्कीम में पहले रिले में आता है एक इनपुट की तरह, और फिर रिले से वो दूसरे जितने भी 86 है मतलब 86.12 मेन टाइप है उनको ट्रिप करवाता है। फिर हाई स्पीड SOTF हमें इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, ये भी हमारी सेटिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, और जनरली इनेबल ही होता है ट्रांसमिशन यूटिलिटीज में, और खासतौर से डिस्टेंस प्रोटेक्शंस वाले में तो इनेबल ही रखते हैं। SOTF के बारे में भी हम बाद में सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली बैकअप ओवर करेंट अर्थफॉल प्रोटेक्शन भी अभी थियोटिकल सेशन में इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अभी प्रैक्टिकली ये है कि हमें सेटिंग्स क्या करना है वो देखने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट लगातार पिछले कुछ दिनों से थ्योरी थ्योरी सेशन होने के कारण से वो एक मोनोटोनस हो गया था। तो अभी पहले कुछ प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटिंग्स कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उनके क्या क्या मतलब है, इसको करने के बाद वापस फिर हम जो भी हमारे डिस्टेंस प्रोटेक्शन के एंसिलरीज फंक्शन जैसे कि SOTF, पावर स्विंग, ऑटो रिक्लोजर, स्टब, बैकअप, अर्थ फॉल्ट, ये सभी हम सेपरेट वीडियोज में देखेंगे। फिर ऑटो रिक्लोजर फंक्शन, जनरली ऑटो रिक्लोजर के लिए अलग से सेपरेट रिले लगा होता है, डिस्टेंस रिले के अंदर हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम करना चाहें और हमारा MLA भी सपोर्ट कर रहा हो तो हम ऑटो रिक्लोजर फंक्शन को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद की ऑटो रिक्लोजर कंट्रोल मोड, इसके बारे में हम ऑटो रिक्लोजर वाले सेशन में बात करेंगे कि विद ट्रिप एंड एक्शन टाइम क्या होता है, विद ट्रिप बट विदाउट एक्शन टाइम का क्या मतलब होता है, कौन से कंडीशन में हमें विद ट्रिप एंड एक्शन टाइम रखना है, कौन से कंडीशन में विदाउट एक्शन टाइम रखना है, अगर हमने विदाउट एक्शन टाइम रखा है तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है, विद एक्शन टाइम के क्या इम्प्लीकेशन है, तो ये सब हम सेपरेट सेशन में थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे कि BCU में कैसे सेटिंग इंप्लीमेंट किया जाता है और क्या मतलब है, और थियोटिकली कि उन सेटिंग्स के क्या मतलब होते हैं ये हम देखेंगे। फॉल्ट लोकेटर जनरली हमेशा इनेबल रखा जाता है, और ट्रिप सर्किट सुपरविजन भी हम इसके अंदर यूज नहीं करते, सेपरेट रिले ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मास्किंग IO, जो कि पहले हमने कवर कर लिया, CFC भी कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट होता है हमारा पावर सिस्टम Data 1। पावर सिस्टम Data 1 के अंदर जो बेसिक हमारे सेटिंग्स होते हैं वो तो सिंपल आपका CT CVT का रेशियो ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो दो तीन सेटिंग होता है। एक तो सबसे पहला कि सिटी का स्टार पॉइंट जो है वो आपका किस साइड में बना हुआ है, जनरली हमेशा जो स्टार पॉइंट होता है प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में बना होना चाहिए, और ये क्यों प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है इसके बारे में भी हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल सा ये है कि अगर आपने सिटी स्टार पॉइंट प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में नहीं बनाया है तो डायरेक्शनल रिले के अगर डिस्टेंस की बात करें तो उसके अंदर जो डायरेक्शनल एलिमेंट होता है उसके मालफंक्शन के चांसेज होते हैं, कि मीन्स वो फॉरवर्ड फॉल्ट को रिवर्स में देख सकता है या रिवर्स फॉल्ट को फॉरवर्ड में देख सकता है। और डिफरेंशियल रिले एंड REF रिले में ऐसा होता है कि अगर आपने सिटी की पोलैरिटी उल्टी कर रखी है तो वो हो सकता है कि आउट ऑफ जोन फॉल्ट्स को इन जोन में समझ ले और इन जोन फॉल्ट को आउट ऑफ जोन में समझ सकता है, मीन्स रिवर्स ऑपरेशन होने के चांसेस है। फिर आपका सिटी रेशियो और CVT जो है वो आपके एज पर जो रिले सेटिंग्स अवेलेबल होता है उसी के हिसाब से हम सेट करते हैं। इस पूरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है वो होता है हमारे पास I4 करेंट ट्रांसफॉर्मर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीमेंस के सॉफ्टवेयर के अंदर और सीमेंस के डिक्सी में। अगर जहां पर हमें पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं न्यूट्रल करंट ऑफ द पैरेलल लाइन, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेलेक्ट किया होता है न्यूट्रल करंट ऑफ द पैरेलल लाइन। अगर सिंगल सर्किट लाइन है तो उसके अंदर आप दो में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल करंट ऑफ द प्रोटेक्टेड लाइन और नॉट कनेक्टेड। अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नॉट कनेक्टेड तो ये रिले क्या करेगा, सिंपली बस R फेज, Y फेज, B फेज का करंट देखेगा
और उसके अनबैलेंस के हिसाब से न्यूट्रल ऑटोमेटिकली इंटरनल कैलकुलेट करता है उन तीनों के वेक्टर सम से। अगर आपने न्यूट्रल करंट और कनेक्टेड लाइन सेलेक्ट किया हुआ है, इस केस में आपको जो यार्ड से फील्ड वायरिंग यहाँ पर आ रहा है वो आर वाई बी के अलावा न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर न्यूट्रल करंट और पैरेलल लाइन सेलेक्ट किया हुआ है तो उस केस में न्यूट्रल जो है हमारा पैरेलल लाइन का इसमें आकर के कनेक्ट होता है। बेसिकली यहाँ पर जो ये न्यूट्रल करंट और पैरेलल लाइन और न्यूट्रल करंट और कनेक्टेड लाइन जो होता है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक मिनट, इससे जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि अगर आपने पैरेलल लाइन है आपके पास और म्यूचुअल कंपनसेशन, आपका पैरेलल लाइन में एक कंसेप्ट होता है म्यूचुअल कंपनसेशन, जिसके बारे में भी हम आगे थ्योरेटिकल उसमें देखेंगे, लेकिन म्यूचुअल कंपनसेशन के एक मैं बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ। म्यूचुअल कंपनसेशन क्या होता है कि जब आपके दो पैरेलल लाइन से मतलब एक ही टावर पर दो लाइन जा रही है, तो आपको पता ही है कि एक लाइन का जो भी फ्लक्स है दूसरे लाइन से लिंक हो रहा होगा, और इस फ्लक्स लिंकेज के कारण से दूसरे लाइन से भी कुछ ना कुछ आपका जो वोल्टेज वगैरह वो इंड्यूस्ड होगा, और उसके कारण से जो मतलब इंडक्टेंस, जो मतलब फ्लक्स लिंकेज के कारण से जो भी इंडक्टेंस आपका पिक्चर में आ रहा है, उस इंडक्टेंस के कारण से रिले के जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब रिले अंडर रीच या ओवर रीच कर सकती है। जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम तभी होती है जब आपका फॉल्ट में ग्राउंड इन्वॉल्व हो, अगर ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है तो म्यूचुअल कंपनसेशन नहीं भी करने से चल जाता है, क्योंकि आपका होता क्या है कि आपको पता है कि अगर कोई भी अनबैलेंस टाइप का फॉल्ट होगा तो उसमें तीन टाइप के कंपोनेंट जनरेट होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। अब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के कारण से जो भी मतलब फ्लक्स होगा वो बैलेंस फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, लेकिन जो जीरो सीक्वेंस होता है उसमें तीनों फेज सेम डायरेक्शन में होता है आर वाई बी, और इसके कारण से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो आपका कैंसल आउट नहीं होता है, कैंसल आउट नहीं होने के कारण से एक आपका बैलेंस म्यूचुअल फ्लक्स जनरेट होता है जीरो सीक्वेंस। इस बैलेंस म्यूचुअल फ्लक्स जो मतलब आपका जनरेट हो रहा है और इसके कारण से जो इंडक्टेंस आ रहा है या रिएक्टेंस के टर्म में आप सोचिए, इसके कारण से जो रिएक्टेंस हो रहा है, अब वो डिपेंड करेगा कि आपका करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों लाइन में मतलब जिस लाइन का फॉल्ट है और जो दूसरा लाइन है उसमें करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो उस केस में तो आपका एक मतलब जो ये रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस वो ऐड हो रहा है, लेकिन अगर दोनों का अपोजिट है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सब्ट्रैक्ट होगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट के कारण से क्या होगा, टोटल जो इंपेडेंस है वो कम या ज़्यादा होगा। तो अब अगर टोटल इंपेडेंस कम हो गया तो उसके कारण से हो सकता है कि रिले जोन टू के फॉल्ट को जोन वन में देखे, सिमिलरली अगर टोटल इंपेडेंस बढ़ जाता है तो रिले हो सकता है जोन वन के फॉल्ट को जोन टू में देखे। तो इससे बचने के लिए म्यूचुअल कंपनसेशन यूज किया जाता है, जहाँ पर जैसे ही हम वायरिंग कर देते हैं न्यूट्रल करंट का तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट को डिस्कार्ड करके और अपना टोटल जो फॉल्ट लोकेशन है वो कैलकुलेट करता है रिले। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने न्यूट्रल करंट ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन या न्यूट्रल करंट ऑफ पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूट्रल करंट ऑफ पैरेलल लाइन किया हुआ है और आपने वायरिंग नहीं की है न्यूट्रल करंट की, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस केस में क्या होता है कि रिले बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए न्यूट्रल करंट ऑफ पैरेलल लाइन की वायरिंग कर रखी है और सेटिंग्स में कर रखा है न्यूट्रल करंट ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो एक तरीका यह है कि या तो अगर आपके किसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो न्यूट्रल करंट अगर हमने पैरेलल लाइन का कनेक्ट नहीं किया सिर्फ प्रोटेक्टेड लाइन का किया है तो हमें सेटिंग को बहुत ध्यान रखना है, और सेटिंग न्यूट्रल करंट ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन ही होना चाहिए। अगर हमारे पास न्यूट्रल करंट अवेलेबल है पैरेलल लाइन का, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में न्यूट्रल करंट ऑफ पैरेलल लाइन करना है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है इसमें, बाकी कोई सेटिंग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर पावर सिस्टम के अंदर जो होता है ये नॉर्मल सारे सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रहता है, सॉलिड स्टेट और ये L1, L2, L3 फेज सीक्वेंस कैसे देखेगा, डिस्टेंस मेजरमेंट का यूनिट की किलोमीटर्स में देखना है या माइल्स में देखना है, फिर सेटिंग फॉर्मेट जो होता है ये जीरो सीक्वेंस कंपनसेशन फैक्टर RE/RL and XE/XL, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर हम दो तीन टाइप के हमारे पास सेटिंग्स होते हैं, एक होता है जीरो सीक्वेंस कंपनसेशन फैक्टर RE/RL and XE/XL, दूसरा हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं K0 and angle K0, मतलब K0 at an angle of θ0। अगर आपने ये सेट किया है तो अभी हम आगे के उसमें देखेंगे जहाँ पर हम पावर सिस्टम डेटा 2 की बात करेंगे, कि अगर हमने ये सेट किया हुआ जीरो सीक्वेंस कंपनसेशन फैक्टर RE/RL and XE/XL, तो हमें सेटिंग्स भी इसी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। इसकी जरूरत क्यों होती है, इसकी जरूरत होती है सिर्फ आपका फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में, क्योंकि अगर आपका फेज टू फेज फॉल्ट है तो हमें पता है, मान लीजिए आर वाई फेज टू फेज फॉल्ट है तो आपका टोटल जो इंपेडेंस मेजर होगा वो VR-VY/IR-IY से हो जाएगा, लेकिन जब फॉल्ट अर्थ के थ्रू रिटर्न हो रहा है तो उस केस में आपको पता है कि ग्राउंड का जो हमारा इंपेडेंस होता है
मतलब जीरो सीक्वेंस जो इम्पीडेंस होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा रहता है। इसके कारण से ग्राउंड के पाथ का जो मतलब आपका रेजिस्टेंस आएगा या रिएक्टेंस आएगा वो दोनों ही फेज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हमें कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि इसके कारण से आपका जो है आप करंट डायरेक्टली आई आर और आई एन को डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो यही कंपनसेशन फैक्टर होता है, जीरो सिक्वेंस कंपनसेशन फैक्टर, आर ई बाई आर एल एंड एक्स सी बाई एक्स एल। अब जो ये ब्रेकअप्स वाली सेटिंग होती है इसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है मिनिमम ट्रिप कमांड ड्यूरेशन। और इसका मतलब है कि सपोज कर लीजिए आपका जोन वन का फॉल्ट आया और जोन वन के फॉल्ट पे हमारी जो रिले है उसने ट्रिप कमांड दे दिया, तब एक बार जब रिले ने ट्रिप कमांड दिया तो वो ट्रिप कमांड आपको 100 मिलीसेकंड के लिए अवेलेबल रहेगा। क्लोज कमांड ड्यूरेशन और डेड टाइम जो है वो हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम डिस्टेंस रिले की बात कर रहे हैं, अगर इसी डिस्टेंस रिले में ऑटो क्लोजर का फंक्शन भी होता तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेटिंग ग्रुप ए के अंदर। सेटिंग ग्रुप ए के अंदर आप देखेंगे कि आपको जनरली वही सारे सेटिंग्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर जो कि आपने डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में सेलेक्ट किया, जैसे डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिस्टेंस जोन, पावर स्विंग, टेली प्रोटेक्शन, एसओटीएफ, बैकअप ओवर करंट अप फॉल्ट, फिर फ्यूज फेलियर, अप फॉल्ट ओवर करंट। तो ये सभी सेटिंग्स, ये वही सेटिंग्स अवेलेबल होंगे जो कि आपने डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल किया है, एक्सेप्ट पावर सिस्टम डेटा टू। पावर सिस्टम डेटा टू के अंदर जो हमारे मेन सेटिंग्स होते हैं, अभी जैसे ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है, आप इस सेटिंग्स को तो सिंपली हम जो है राइट कर सकते हैं या कुछ भी इसके अंदर एडिट कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होगा, जो हमें कैलकुलेट करके हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल होगा वही सेटिंग हमें इंप्लीमेंट करना है। ये डिफॉल्ट है, इसमें तो हम सिर्फ सेटिंग का मतलब समझ रहे हैं। तो इसके अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक होता है लाइन एंगल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 1110 जो कि लाइन रिएक्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अब लाइन रिएक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है इससे हमारा क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपने लाइन रिएक्टेंस पर यूनिट लेंथ गलत डाल रखा है तो जब रिले फॉल्ट लोकेशन कैलकुलेट करेगा तो वो गलत कैलकुलेट करेगा। फिर आर ई बाई आर एल, एक्स सी बाई एक्स एल, ये सब जो है ये आपको सेटिंग्स में अवेलेबल होगा, सेम यहाँ पर एंटर करना है। लाइन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइन स्टेटस से क्या होता है कि जो इस रिले के अंदर जितने भी एंसिलरी फंक्शन है वो ये यहीं से डिटेक्ट करता है। एंसिलरी फंक्शन का मतलब होगा जैसे आपका SOTF हो गया, जैसे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेटिंग होता है पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड और पोल ओपन वोल्टेज थ्रेशोल्ड। बेसिकली ये जो सेटिंग्स होते हैं पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड, इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस है पूरे सीमेंस रिले के अंदर। पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 0.1, और अगर मान लीजिए हमारा सीटी रेशियो है 1000, तो 1000 का 0.1 मतलब 100 एम्पियर। अगर इस रिले में 100 एम्पियर से कम करंट ये रीड कर रहा है तो ये मान के चलेगा कि आपका जो पोल है वो ओपन है। पोल ओपन का मतलब ये है कि अभी वो मान के चलेगा लाइन डी इनर्जाइज है। और इस कंडीशन में अगर जैसे ये पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड से कम करंट है इस करंट में, क्योंकि अब उसने मान लिया लाइन डी इनर्जाइज है, और अगर इस कंडीशन में हमारा फ्यूज फेल होता है, या फिर मतलब सबसे मेन होता है फ्यूज फेलियर में प्रोटेक्शन ब्लॉक होने चाहिए, तो अगर इस कंडीशन में फ्यूज फेल हो जाता है तो रिले ये मान के चला है क्योंकि आपके लाइन तो डीनर्जाइज ही है, उसे कुछ ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, और अनवांटेड ट्रिपिंग होने के चांसेस होते हैं। दूसरा पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड के दूसरे जो इंप्लीकेशन आते हैं वो आता है ब्रोकन कंडक्टर के केस में, उसमें भी सेम होता है। इसका एक और इंप्लीकेशन आता है आपका जो ट्रिप कमांड के रीसेट के लिए होता है कि अगर पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड से कम करंट आएगा तभी ट्रिप कमांड रीसेट होगा। अगर किसी कारण से इससे ज़्यादा करंट चल रहा है लाइन ओपन होने के बावजूद भी तो आपका ट्रिप कमांड रिसेट ही नहीं होगा, ट्रिप कमांड चलता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा है सील इन टाइम आफ्टर ऑल क्लोजर। सील इन टाइम आफ्टर ऑल क्लोजर का मतलब है कि जब भी मतलब हम लाइन क्लोज कर रहे हैं, लाइन चाहे हम ब्रेकर के थ्रू क्लोज कर रहे हैं या फिर मतलब पोल ओपन करंट थ्रेशोल्ड से ऊपर हमारा करंट जा रहा है या वोल्टेज थ्रेशोल्ड से ऊपर वोल्टेज जा रहा है, तो उन सभी को वो ऑल क्लोजर्स में मानता है। और उससे ज़्यादा अगर हमारा करंट या वोल्टेज है तो नेक्स्ट 50 मिली सेकेंड तक, 0.05 मतलब 50 मिली सेकेंड तक वो एक मैनुअल क्लोज सिग्नल आपका हाई रहेगा। इसको मतलब सील इन टाइम का मतलब होता है कि उतनी देर तक ये सिग्नल डिटेक्ट करके और उतनी देर तक हाई रखेगा कि उसके बीच में अगर अचानक से आपका करंट एसओटीएफ वाले से ज़्यादा हो गया तो एसओटीएफ ऑपरेट हो जाएगा। थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे एसओटीएफ की, और यही एक रीजन भी था कि पहले हम लोग सारे थियोरटिकल कंसेप्ट पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये था कि पहले डिक्सी के बारे में या जो रिले के अंदर जो सेटिंग्स है वो क्या कैसे कैसे होते हैं पहले आप वो बता दीजिए, उसके बाद थ्योरी करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो हो ही जाते हैं। तो अब क्योंकि ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि सील इन टाइम का क्या यूज होता है,
रिकॉग्निशन ऑफ लाइन क्लोजर का क्या मतलब है और उसके कैसे इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो ये समझने के लिए हमें एसओटीएफ करना पड़ेगा। तो एसओटीएफ हम करेंगे आने वाले एक दो सेशन के बाद, हम एसओटीएफ की थ्योरी भी करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ लाइन क्लोजर का मतलब है कि लाइन क्लोजर कैसे डिटेक्ट करेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें बेसिकली मैनुअल क्लोज बीआई ओनली ही करना है। और अगर आपने मैनुअल क्लोज बीआई किया हुआ है तो इसको पावर सिस्टम डेटा 2 के अंदर सीबी मैनुअल क्लोज वाला जो सिग्नल है वहां पर भी मास्किंग करके रखना होगा। प्लस अब ये जो मैनुअल क्लोज है इसको हमें स्कीम में ध्यान देना होगा कि अगर ये आपका डीएमटी स्कीम है सपोज, तो उसमें ब्रेकर के हैंडल के थ्रू प्लस ऑटो डिक्लोजर के क्लोजिंग के थ्रू दोनों से मैनुअल क्लोज आना चाहिए। सिमिलरली अगर ये आपका 1.5 ब्रेकर स्कीम है तो उसमें मेन ब्रेकर प्लस टाई ब्रेकर दोनों का आना चाहिए और दोनों के दोनों कंडीशन में आने चाहिए। फिर पोल ओपन डिटेक्टर, पोल ओपन कैसे डिटेक्ट करेगा, तो विद मेजरमेंट ओनली। फिर सिटी सेचुरेशन एंड देन सील इन टाइम आफ्टर मैनुअल क्लोजर, तो ये सेम एग्जैक्टली है जैसे ऑल क्लोजर था उसी तरह से सील इन टाइम आफ्टर मैनुअल क्लोजर, कि आपने मैनुअल क्लोज किया, मैनुअल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट 300 मिलीसेकंड तक ये टाइम लिमिट रहता है कि उस टाइम के अंदर अगर आपका अचानक से करंट बढ़ गया है तो एसओटीएफ प्रोटेक्शन पे ट्रिप हो जाएगा, थ्री फेज ट्रिप हो जाता है। ट्रिप मोड हमेशा हमें थ्री फेज ट्रिप करना है अगर मतलब फेज टू फेज फॉल्ट है तो। फिर डिस्टेंस प्रोटेक्शन के जनरल सेटिंग्स में आपके अंदर जितने भी मतलब बाकी जो भी सेटिंग्स होंगे वो सेटिंग्स एज पर आपको कैलकुलेशन आपके एक्सेल सीट या पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइडेड रहते हैं। इसके अंदर सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है, एक तो ये रहता है कि जो आपको इंस्टेंटेनियस ट्रिप करना है आफ्टर स्विच ऑन टू फॉल्ट, ये हमें किस में करना है, तो ये हम करते हैं विद जोन वन बी। विद जोन वन बी करने का क्या मतलब है कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शंस के फॉल्ट, और जोन वन बी का मतलब होता है जोन टू वाला जो रीच है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का फॉल्ट और उसमें जो जोन टू वाला जितना भी हमारा रीच है उसमें अगर फॉल्ट है ब्रेकर क्लोज करने के 300 मिली सेकेंड तक जो मैनुअल क्लोजर वाला है, तो आपको डायरेक्टली थ्री फेज ट्रिप कर देगा स्विच ऑन टू फॉल्ट। फिर नेक्स्ट जितने भी हमारा आर लोड, फाई लोड, फेज टू फेज और फेज टू अर्थ, ये लोड एनक्रोचमेंट की सेटिंग होती है, और लोड एनक्रोचमेंट की भी हम अलग से थ्योरी जब देखेंगे उस टाइम पर करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है टाइम डिले। टाइम डिले जो भी आपका जैसे T1, T2, T3, T4 जो भी है, तो इसका मतलब होता है जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के ऑपरेटिंग टाइम, ये आपको आपके एक्सेल शीट्स में या पीडीएफ में प्रोवाइड किए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कंडीशन फॉर जोन टाइम स्टार्ट, और ये हमें हमेशा ध्यान देना है कि ये कंडीशन फॉर जोन स्टार्ट जो है ये विद जोन पिकअप होना चाहिए, विद डिस्टेंस पिकअप नहीं रखना है। अगर आपने विद डिस्टेंस पिकअप रखा है तो इसका क्या मतलब है कि कहीं भी अगर फॉल्ट आएगा तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और मान लीजिए कि टाइमर स्टार्ट होने के 300 या 400 मिलीसेकंड बाद वो फॉल्ट जोन 3 में आया, तो जैसे ही वो फॉल्ट अब जोन 3 में आया तो उसको ऑपरेशन के लिए मान लीजिए जोन 3 का टाइम 800 है, तो उसको 800 वेट नहीं करना है, उसको अब 500 मिलीसेकंड के बाद ही वो रिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी। इसीलिए विद डिस्टेंस पिकअप ना करके विद जोन पिकअप रखना होता है। बाकी सारी सेटिंग्स का सिंपल मतलब है कि सिंगल T1 का मतलब होगा कि जोन 1 का टाइम ऑफ ऑपरेशन, T2 जोन 2 का टाइम ऑफ ऑपरेशन, T3 T4 जोन 3 जोन 4 का, और इसके टाइम्स कैसे निकाले जाते हैं जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 के, कैसे कोऑर्डिनेशन किए जाते हैं, ये हमने थ्योरेटिकल सेशन में देखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्टेंस जोन्स क्वाड्रिलेटरल। डिस्टेंस जोन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर में जितने भी टैब होंगे जोन 1 जोन 1 बी जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5, ये आपके जोन के सेटिंग्स होते हैं जिसके अंदर आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड किए होते हैं। ये एज पर कैलकुलेशंस है जो भी मतलब हमारे लाइन पैरामीटर्स है, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी है, कितने कंडक्टर्स है, उन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए सिटी पीटी रेशियो को भी फैक्टर में लेने के बाद आपका ये वैल्यूज जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसको डायरेक्टली हम एंटर करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोन रिडक्शन एंगल लोड कंपनसेशन, जो कि इसका भी हमने थ्योरी में डिस्कशन किया था जब हमने डिस्कशन किया था फॉल्ट रेजिस्टेंस प्लस द इफेक्ट ऑफ प्री फॉल्ट पावर फ्लो डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। तो ये जो लोड कंपनसेशन है वही चीज़ है जोन रिडक्शन एंगल, कि आपका प्री फॉल्ट पावर फ्लो मैग्नीट्यूड के कारण से जो रीच रिएक्टेंस जो है वो अप या डाउन जितना हो सकता है उसका कंपनसेशन है, तो 5 डिग्री तक हम कंपनसेट करते हैं, जो भी मतलब सेटिंग्स में अवेलेबल है वो रहेगा। जोन 1 बी बेसिकली जोन 2 प्लस कैरियर रिसीव होता है, इसीलिए जोन 1 बी का जो आपका रीच होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है जो जोन 2 में होता है। ये सीमेंस रिले के अंदर ही ऐसा है, क्योंकि बाकी जैसे माइकॉम की रिले होगी या एबीबी की रिले होगी उसमें जोन 1 बी के नाम से अलग से कोई सेटिंग नहीं होता है, जोन 2 की सिर्फ सेटिंग प्रोवाइड की जाती है, और रिले डिटेक्ट करता है कि जोन 2 प्लस कैरियर रिसीव है तो ऑटोमेटिकली वो जेड 1 बी या जेड कॉम में ट्रिपिंग कर देता है। फिर जोन 3 जोन 4 वगैरह आपका एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर रिले सेटिंग्स अवेलेबल वही रहता है। पावर स्विंग हमेशा ऑल जोन ब्लॉक्स और नो ट्रिपिंग, पावर स्विंग में कोई ट्रिपिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और सेटिंग्स होता है जो कि किसी किसी डिक्सी वर्जन में अवेलेबल होता है, वो होता है कि अगर आपका पावर स्विंग
एक बार डिटेक्ट हो गया तो उसके 2 सेकंड के बाद, अगर 2 सेकंड तक परसिस्टिंग है तो फिर जिस भी जोन में है उस जोन में हम ट्रिप कर देते हैं। जनरली इसमें दो टाइप की सेटिंग्स होते हैं, एक ऑल जोन ब्लॉक और एक जोन टू एंड हायर ब्लॉक। ये एज पर यूटिलिटी और एज पर जो लोड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं उन दोनों के बीच के म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से किया जाता है कि आपको क्या रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टेलीप्रोटेक्शन फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन। टेलीप्रोटेक्शन फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ लाइंस। टाइप ऑफ लाइंस में अगर आपने टू टर्मिनल्स किया है तो जो हमने पहले मास्किंग के टाइम पर देखा था यहाँ पर कि एक मिनट, अगर हमने यहाँ पर मास्किंग, आपको याद होगा तो हमने मास्किंग में एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पर दो सेटिंग्स, दो चैनल्स होते हैं, जिसको मैं कॉन्फिगर कर लेता हूँ। ये वाला कैरियर रिसेप्शन चैनल 1 एंड कैरियर रिसेप्शन चैनल 2। अगर आपने टू टर्मिनल किया हुआ है तो उसके केस में रिले जो है वो कैरियर रिसेप्शन चैनल 2 के बेसिस पर कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ कैरियर रिसेप्शन चैनल 1 के बेसिस पर ही काम करता है। तो इससे बचने के लिए आप दूसरा क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो हम इसको 3 टर्मिनल कर दें, क्योंकि 3 टर्मिनल में वो दोनों चैनल के बेसिस पे काम करता है, चैनल 1 एंड चैनल 2 पर। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें वो तभी काम करेगा जब आपको दोनों चैनल से कैरियर रिसीव हो जाए, अगर सिर्फ एक से हुआ है दूसरे से डिलेड है तो काम नहीं करता है। इसलिए हम 2 टर्मिनल करते हैं और चैनल 1 चैनल 2 के लिए एक CFC क्रिएट करना होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। टाइम डिले फॉर सिग्नल्स एंड प्रोलोंगेशन, इसका मतलब भी मैंने आपको जब हम थियोरटिकल सेशन किया था तब बताया था, ये होता है T-send मिनिमम, जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कैरियर सेंड सिग्नल पल्स है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। और ये POTT स्कीम्स में आपको सबसे ज्यादा होता है, जो कि 100 मिली सेकेंड या 80 मिली सेकेंड, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रांजिएंट ब्लॉक बाय अर्थ फॉल्ट, ये आपको जो मैंने एक POTT के टाइम पर बताया था कि अगर पैरेलल लाइंस हो और पैरेलल लाइंस के अंदर एक लाइन में फॉल्ट है दूसरे में करंट रिवर्सल होता है तो उसके लिए है ट्रांजिएंट ब्लॉकिंग बाय अर्थ फॉल्ट। इसको अगर आपने यस किया हुआ है तो अगर करंट रिवर्सल आ रहा है 50-60 मिली सेकेंड के अंदर तो ये उसको ब्लॉक करके रखेगा और उसके बाद ही इनेबल होता है। नेक्स्ट हमारा DTT के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ये ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। फिर SOTF ओवर करंट, SOTF ओवर करंट में सिर्फ आपको करंट की सेटिंग होती है और SOTF ओवर करंट आप ऑन रखते हैं और अपना जो भी मैनुअल क्लोज डिटेक्ट करने के बाद जो SOTF की सेटिंग्स होगी 2 एम्पीयर या 2.5 एम्पीयर सेकेंडरी में, उसके बेसिस पर डायरेक्टली ये 3 फेज ट्रिप करता है। ये क्यों सिर्फ करंट की सेटिंग होती है इसको हम थियोरटिकल सेशन में देखेंगे कि SOTF में सिर्फ एक ही सेटिंग क्या क्यों होता है। बैकअप ओवर करंट, बेसिकली बैकअप ओवर करंट जो होता है वो स्टब प्रोटेक्शन के नाम से होता है। बैकअप ओवर करंट का मतलब स्टब प्रोटेक्शन होता है और ये सिर्फ 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम्स में अप्लीकेबल होता है। और ये कैसे काम करता है ये भी हम थियोरटिकल सेशंस में ही देखेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट सुपरविजन, मेजरमेंट सुपरविजन के अंदर आपका जो मेन सेटिंग्स होता है वो होता है ब्रोकन कंडक्टर और फ्यूज फेलियर। फ्यूज फेलियर के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक सेटिंग मिलेगा बैलेंस फैक्टर फॉर वोल्टेज मॉनिटर एंड ये सब तो हमने ऑफ ही कर दिया। हमारा फ्यूज फेलियर ये है, फ्यूज फेलियर मॉनिटर ऑन, मिनिमम वोल्टेज थ्रेशोल्ड 30 वोल्ट, मिनिमम करंट थ्रेशोल्ड 0.1। अब ये जो देखेंगे मिनिमम करंट थ्रेशोल्ड 0.1 कि अगर इससे कम करंट है तो फ्यूज फेलियर कभी होगा ही नहीं, मिनिमम इससे ज़्यादा करंट होना चाहिए रिले में तभी फ्यूज फेलियर लॉजिक काम करता है। फ्यूज फेलियर लॉजिक के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, फ्यूज फेलियर लॉजिक कैसे कैसे काम करता है ये हम अलग थ्योरेटिकल सेशन में देखेंगे। फ्यूज फेलियर के बाद हमारे लिए लास्ट जो है वह फॉल्ट लोकेटर। फॉल्ट लोकेटर को सिंपली हम स्टार्ट कर सकते हैं विद पिकअप या विद ट्रिप, तो जनरली हम विद ट्रिप रखते हैं, वो भी एज पर आपकी सेटिंग्स जो भी अवेलेबल होगा वो रहता है। नेक्स्ट आता है ऑसिलोग्राफिक फॉल्ट रिकॉर्ड्स। ऑसिलोग्राफिक फॉल्ट रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे जो DR आता है उसकी सेटिंग्स की जाती है कि DR को आपको कैसे सेव करना है। जनरली जब भी हमारे पास ऑटो DR की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ऑटो DR डाउनलोड की तो हम सेव विद ट्रिप रखते हैं, क्योंकि इस रिले में मैक्सिमम 8 DR ही सेव हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कि उसका एक एक DR का मैक्सिमम लेंथ कितना रखना है आपको, प्रायर टू ट्रिगर कितना टाइम रखना है, पोस्ट ट्रिगर कितना टाइम रखना है, और अगर बाइनरी इनपुट के थ्रू ट्रिगर कर रहे हो तो वो कितना टाइम रखना है, ये सभी सेटिंग्स हम ऑसिलोग्राफिक फॉल्ट रिकॉर्ड्स के अंदर करते हैं। जनरल डिवाइस सेटिंग्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी यूज नहीं है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन में जनरली हम लोग अगर हमारे रिले एस्काडा में कम्युनिकेट कर रही है नेटवर्क पर अवेलेबल है तो हम इथरनेट NTP करते हैं, और इस इथरनेट NTP को करने के बाद सिंपली इसमें हमें जो करना होता है वो एक तो ये होता है आपको कि टाइम जोन ऑफसेट GMT जो कि इंडिया के हिसाब से हमारा 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा, तो इसको हम सिर्फ 5 आवर 30 मिनट्स इसको कर देते हैं, और बाकी जो DST होता है DST को हम डिसेबल कर देते हैं। DST बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लीकेबल होता है जहाँ पर कि वो समर और विंटर में अलग अलग टाइम यूज करते हैं टाइम जोन्स, तो उसको डे सेविंग टाइम्स बोलते हैं, जहाँ पर उनका
समर में 1 घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है, विंटर में 1 घंटे बाद का टाइम लेते हैं, तो वो 1 घंटे का टाइम डिलेट रहता है। तो ये हम उसमें करते हैं, बाकी जो भी सेटिंग्स है उसका कुछ भी यूज नहीं है। इंटरफेस का मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जो इंटरफेस होता है इसमें एक ही चीज़ होता है, वीडी एड्रेस। और यहाँ पर जो ये वीडी एड्रेस है इसका कुछ मतलब भी नहीं है बेसिकली। ये वीडी एड्रेस जब हम 485 वाला सॉफ्टवेयर कुछ यूज करें तब चाहिए, यहाँ पर तो इंटरफेस का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस सेशन में बेसिकली हमने अलग अलग जो सेटिंग्स है उसका क्या मतलब है उसके बारे में स्टडी किया है। और कुछ कंसेप्ट है जो कि हमने अभी तक क्योंकि पढ़ाई नहीं है, जैसे SOTF, स्टब, पावर स्विंग, डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट, तो इसीलिए उनके सेटिंग्स को हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने के लिए पहले हमें उन के प्रोटेक्शन के बेसिक समझना आवश्यक है। तो हम नेक्स्ट सेशन में जब उनका थियोरिटिकल कंसेप्ट पूरा कवर कर लेंगे उसके बाद इन सेटिंग्स को दोबारा से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इन सेटिंग्स को एक बार देखिए, आपके पास जो भी एक्सेल सीट या PDF में अगर सेटिंग्स अवेलेबल है, आप जब उनको देखेंगे, जब उसको रीड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर सेटिंग्स क्यों इंप्लीमेंट किया गया है, पर्टिकुलर सेटिंग्स का क्या मतलब होता है, और अगर हमने यही सेटिंग रखा है तो क्या होगा, ये नहीं रखा है तो क्या फर्क पड़ेगा। और नेक्स्ट सेशन में हम 61850 के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, डिक्सी सॉफ्टवेयर के अंदर ही 61850 कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और गूज करके दिखाएंगे आपको, दो रिले के बीच में गूज सिग्नल, सिमेंट टू सिमेंट में गूज कैसे ट्रांसफर किया जाता है, गूज कैसे रिसीव होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद वापस हम थ्योरेटिकल सेशन की तरफ आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप देखते रहिए, बाकी पुराने वीडियोज़ को भी रिवाइज करके देखिए, और बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।